वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन में आज भी हमारे पास पांच वर्ड्स हैं। देखते हैं इन पांचों वर्ड्स को। आज का पहला वर्ड है एनोनिमस। देखिए एनोनिमस, दो बार में पढ़ेंगे इसको, इधर उच्चारण लिख दिया है। दूसरा है बर्गलर, बर्गलर एक ही बार में पढ़ना है। बैरन, कॉस्मोपोलिटन, एडिबल, इटेबल, ये पांच वर्ड्स हमारे पास मिलेंगे। पहला एनोनिमस, हिंदी होती है गुमनाम। गुमनाम मतलब जिसके नाम का पता नहीं होता, नाम गुम होता है, हिंदी से तो यही मतलब है। इंग्लिश में इसको एनोनिमस बोलते हैं, मतलब कोई भी वस्तु, बुक, चिट्ठी, लेटर, कुछ भी हो सकता है जिसपे नाम अंकित नॉर्मली होता है और नाम नहीं है, गुमनाम है, उसे बोलेंगे एनोनिमस। देखिए विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर मतलब लेखक, लेखक के नाम के बिना। एक बुक के लिए दे दिया है इसने कि कोई बुक हम पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि बुक का लेट जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा होता है, लेकिन कुछ बुक्स होते हैं जो एनोनिमस होते हैं, ऑथर का नाम नहीं होता है, तो जिस बुक पे ऑथर का नाम नहीं होता है उसे बोलते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट है बर्गलर, बर्गलर मतलब होता है थीप, थीप आप जानते हैं चोर, बर्गलर भी वही है, थीप। क्या होता है, जो वन हु ब्रेक्स इनटू हाउस टू स्टील, ब्रेक्स इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, ब्रेक्स इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, हिंदी होती है जबरदस्ती अंदर घुसना, तो वन हु ब्रेक्स इनटू, वह जो अंदर घुसा जाता है अ हाउस एक घर के, टू स्टील चुराने के लिए, वह जो एक घर के अंदर चुराने के लिए जबरदस्ती अंदर घुस जाता है उसे बोलते हैं बर्गलर, थी। फिर है बैरन, बैरन मतलब बंजर, बंजर का मतलब जानते हैं आप, वैसी भूमि जहां पे कुछ भी उपजता नहीं है, उगता नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे अ प्लॉट ऑफ लैंड, ऐसा भूखंड दैट डजंट ग्रो एनीथिंग, जो कुछ भी नहीं ग्रो करता है, पैदावार करता है, उसे बोलते हैं बैरन, बंजर। नेक्स्ट इज कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मतलब सर्वदेशीय, मतलब जो सभी देशों के लिए लागू है उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन, जो आप जानते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, सार्वत्रिक, ऐसे ही इसी का सिनोनिम है कॉस्मोपोलिटन, तो जो विश्वव्यापी है, सभी विश्व जानता है, जैसे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूरज सवेरे सवेरे उगता है, तो ये हर जगह हर देश में होता है, इसलिए बोलेंगे कि जो सेंटेंस है द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एक कॉस्मोपोलिटन है, यूनिवर्सल है। तो वही फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब देश दुनिया के सभी भागों से, अच्छा है ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के सभी भागों के, जो बात दुनिया के सभी भागों में होता है लागू उसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। फिर है एडिबल चाहे इटेबल, एडिबल अधिक यूज होता है, इटेबल भी यूज होता है, लेकिन एडिबल का ध्यान मतलब हमें ध्यान नहीं रहता है, इसे ध्यान रखेंगे हम, एडिबल मतलब जो इटेबल का मतलब होता है, खाद्य मतलब खाने योग्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, तो खाने योग्य का इंग्लिश क्या होगा, फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, फिट मतलब फिट होता है, ईट करने के लिए मतलब खाने योग्य, तो यही याद रखेंगे आप, एडिबल और ईटेबल। तो आज पांच वर्ड्स में पहला एनोनिमस, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, बर्गलर, वन हु ब्रेक्स इनटू हाउस टू स्टील, बैरन, अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डजंट ग्रो एनीथिंग, कॉस्मोपोलिटन, ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एडिबल, ईटेबल, फिट टू बी ईटन। थैंक यू वेरी मच।